नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश का जो सियासी भूचाल है, उस मुद्दे को लेकर के आज हम कुछ युवाओं से बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे उनकी राय। तो सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। तो हमारे दाएं तरफ हैं भरतदीप सिंह बेदी जी, जो युवा ट्रैफिक फोर्स के सीनियर लीडर हैं, साथ ही साथ युवाओं के मुद्दों और देश विदेश के प्रमुख मुद्दों को, तात्कालीन मुद्दों को लेकर के अपनी राय रखते हैं। हमारे बाएं तरफ आप देख रहे हैं सरबम सिंह राठौर जी को, जो महानगर मंत्री हैं ABBP से। वहीं उनके बगल में आप देख रहे हैं अमित उपाध्याय जी को, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इकाई के ABBP अध्यक्ष हैं। और अब बात करेंगे इस समय जो चल रहा है माहौल, जो सियासी घमासान है, और इन सारे मुद्दों को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारा पहला सवाल सरबम सिंह राठौर जी से है कि मध्य प्रदेश का जो सियासी भूचाल इस समय पर देख रहे हैं आप, सिंधिया जी BJP में शामिल हो चुके हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिंधिया जी का आंतरिक मामला था, उनका खुद का मामला था, और वो ना ही कोई जनप्रतिनिधि थे, तो उनका किसी भी पार्टी में जाना जायज़ है। और हम बात करें सियासी भूचाल की, तो कमलनाथ सरकार ने 1-1.5 साल में लगातार छात्रों का शोषण ही किया है। हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो 1.5 साल से किसी भी महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। हम बात करें जो पिछली सरकार में मोबाइल फ़ोन वितरण सरकार द्वारा किया जाता है, वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कमलनाथ सरकार ने छात्रों को हित के लिए नहीं किए। हम बात करें जब चुनाव हुए थे, तो उन्होंने एक वादा किया था बेरोजगारी भत्ता का, 4 से 5 हज़ार रुपये हर एक स्टूडेंट को वो देने का वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वादे कमलनाथ सरकार पूरे करने में विफल रही है। तो कमलनाथ सरकार से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकार सही नहीं है चलने लायक जी। और अब हमारा अगला सवाल अमित जी आपसे है कि सिंधिया जी BJP में शामिल हो रहे हैं, ABBP जो है तो भाजपा की एक अनुसांगिक इकाई कही जा सकती है, छात्र संघ की इकाई कही जा सकती है, जैसा कि समर्थन उसे प्राप्त किया जाता है, जैसा समर्थन BJP को उसके द्वारा दिया जाता है। तो सिंधिया जी के शामिल होने के बावजूद आप लोगों का क्या आगे क्या सोचते हैं आप, कैसा रहेगा आगे? जी देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन ना होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है। और जिस प्रकार से आपने सवाल किया सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से, तो जो उनका निर्णय था वो स्वागत योग्य मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई भी नेतृत्वकर्ता होता है वो अपने संगठन को अपना पूर्ण समय देता है, पूर्ण जीवन देता है, और किसी नेतृत्वकर्ता को उसके बदले उसकी अपेक्षाओं के अनुकूल यदि उसको संगठन में स्थान नहीं दिया जाता, तो उसके द्वारा इस प्रकार की कोई अगर उसकी निजी सोच है और वो एक ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन में जुड़ करके देश प्रेम के लिए, देश हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो वो स्वागत योग्य है। और एक विद्यार्थी परिषद का नेतृत्वकर्ता होने के नाते मैं उनके इस विचार का स्वागत करता हूँ। और अब अगला सवाल हम आपसे लेंगे, मध्य प्रदेश में जो सियासी हलचल मची हुई है, और कहीं ना कहीं ऐसे में अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि दोबारा चुनाव होने की भी स्थितियां बन सकती हैं, मध्यवर्ती चुनाव की भी स्थितियां बन सकती हैं। तो एक सरकार का जनता के द्वारा चुना जाना, फिर उसके बाद ऐसी सियासी हलचल पैदा होना, और विधायकों का, मंत्रियों का और नेताओं का दल बदल कर लिया जाना, तो ये कहाँ तक सही कहा जा सकता है? इससे जनता को आखिर क्या हासिल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जी, लोग हिंदुस्तान में इस कदर दल बदलते हैं जी, लोग हिंदुस्तान में इस कदर दल बदलते हैं जैसे ग्राहक जी, यकीन मानिएगा भाई साहब जी, का भी एक चरित्र होता है जी, जो इसकी कीमत अदा करता है वो उसका मित्र होता है जी। लेकिन चरित्र, हम अगर नेताओं की बात करें तो चरित्र उनके लिए चुनाव पान का बीड़ा जी, जब चाहे चबा कर थूक दें जी, और चाहे तो हिंदुस्तान को चुनाव की आग में फिर से झोंक दें। आप एक बात इसमें बताइए हमें, ये चुनाव जो करवाते हैं, चुनाव के लिए एक्सपेंडिचर खर्चे लगते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये खर्चे जो आते हैं ये किसके द्वारा आते हैं? जनता के द्वारा आते हैं। तो आखिर जनता ने अपना एक महत्वपूर्ण समय लगा कर, एक चुनाव जब हुआ था, चुनाव में उस व्यक्ति को चुना, कुछ आशाएं थी उस उम्मीद से, उस उम्मीद थी कुछ व्यक्ति से कि यार वो कुछ करेगा जी। लेकिन जब वो व्यक्ति उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरे जी, तब जनता भी क्या करेगी?
तो खैर वो तो एक बात हो गई, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप जनता के पैसे से अगर इस प्रकार को बर्बाद करते जाएंगे तो कहाँ तक आप जनता की भलाई का कार्य कर पाएंगे। पहले हमारा ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत देश पहले हमारा ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अरे अब तो चिड़िया देखने को हम तरस गए, क्यों? यहाँ पर गरीब का पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े टावर खड़े करके लोगों को जियो 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 कर करके जियो की लत लगा दी और जब उसमें लत लग गई तब उनसे पैसा ले रहे हैं। अरे तुमने डेवलपमेंट किया, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ तुमने ये देखा कि इसके बाद आगे का क्या होगा? नहीं, तुमने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। आज हमारे लाखों चिड़ियाँ, जिसको हम बोल चिड़ियाँ जीव, वो एक रेडिएशन का शिकार हो रहे हैं और साथ ही साथ पब्लिक जो है वो त्रस्त हो चुकी है कि उनको एक अभी तक ऐसी सरकार नहीं मिली जो बिल्कुल एकदम उनके सर्वोपरि सर्वोहित के लिए कार्य करे, उनके कार्य के प्रति एकदम वो दिल लगा कर कार्य करे। देखिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, मैं आदर सम्मान करता हूँ उनका, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उनको भी लगा इस बारे में कि ये जो कांग्रेस सरकार है ये इस प्रकार से नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने बीजेपी में आने का सोचा। बीजेपी क्योंकि बहुत कुछ कर जाएगी। बीजेपी ने देखिए, मैं बोलता हूँ कि सरकार भले ही कम की भी हो, काम अगर ज़बरदस्त हो ना तो सरकार का नाम होता है। आप कभी दिल्ली जाके देखिएगा, दिल्ली में आप पार्टी, आप पार्टी में सिर्फ केजरीवाल जो हैं, सिर्फ उन्होंने सिर्फ उतना ही एरिया जो उनका राज्य है उसमें आप अगर देखेंगे तो उन्होंने अपने राज्य को इतना विकसित कर दिया कि आज हर किसी की जुबान पर आप पार्टी का नाम चढ़ा हुआ है। और पहली और दूसरी बात यह है कि अगर सिंधिया जी इस बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि एक पावरफुल संगठित पार्टी अब हमारे सामने आ रही है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये जो अभी हमारे जो दोस्त बेरोजगारी के मामले में चल रहे हैं, बच्चों की स्कॉलरशिपें रोकी जा रही हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप के मामले को लेकर, और जो शिवराज सिंह चौहान सर ने जो चलाई थी योजनाएं वो विफल नहीं हुई थी। जब से कांग्रेस सरकार आई थी तब से वो कुछ इस प्रकार से स्थगित कर दी गई थी, तक लोगों को अभाव होने लगा उस चीज़ का, लेकिन अब वो अभाव बिल्कुल नहीं होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शायद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जनता की सर्वोपरि सर्वोहित के लिए दूसरी पार्टी में है। अभी तक आप लोग बीजेपी के द्वारा लगातार सिंधिया जी के खिलाफ जो है तो प्रदर्शन भी किए जाते थे, बयान भी जारी किए जाते थे और कोसा जाता था, लेकिन अब सिंधिया जी बीजेपी में आ गए हैं, अब कैसा माहौल रहेगा? एक विरोधी आपके साथ जो तो फिर से आ गया है, जिसके साथ आपने लगातार 18 वर्ष से संघर्ष किया, अब वो आपका जो है तो साथी बन चुका है, ऐसे में कोई क्या परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए अभी अमित जी ने एक बार बताई आप एक बात कि विद्यार्थी परिषद किसी पार्टी विशेष का नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है और हम सिर्फ छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पिछली सरकार थी हमारी विचारधारा की थी तो हमने उनके खिलाफ कुछ प्रदर्शन वगैरह ना किए हों। विद्यार्थी परिषद हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती आ रही है। 1949 से जब कांग्रेसी पार्टी हुआ करती थी तब से विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में है, उसके बाद से लगातार छात्र हितों के लिए संघर्ष करती जा रही है। और रही बात सिंधिया जी बीजेपी में जाएं या किसी भी पार्टी में जाएं, उससे विद्यार्थी परिषद को कोई फायदा या नुकसान की बात नहीं है। विद्यार्थी परिषद सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर की काम करता है, परंतु युवाओं का तो राजनैतिक परिदृश्य से कहीं ना कहीं खासा जो है तो लगाव रहता है और कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी करता है युवाओं को। तो निश्चित तौर पर अगर किसी का दल बदल हो रहा है या कोई भी जो है तो राजनैतिक घटनाक्रम हो रहा है तो वो तो डायरेक्ट युवाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये प्रभावित नहीं करता युवाओं को? युवाओं को प्रभावित तो करेगा, ऑब्वियसली करेगा प्रभावित, क्योंकि वो यूथ लीडर है और मध्य प्रदेश में युवा उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा है, पर वो कांग्रेस सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ या कांग्रेस ने उनको सही नहीं पहचाना, ये उनका खुद का पर्सनल निजी मामला है कि वो दूसरी पार्टी में आए। उससे विद्यार्थी परिषद का कोई लेना देने नहीं, विद्यार्थी परिषद काम करता जा रहा है युवाओं के बीच, करता रहेगा। युवाओं पर इसका क्या असर होने वाला है अगर सरकार परिवर्तित होती है तो युवाओं पर क्या असर होगा? देखिए युवाओं पर जो असर है, आपने जो ये डिबेट बुलाई हुई है उसका आपने जो चर्चा का विषय रखा है वो युवाओं से चर्चा है, तो पहले युवाओं के परिदृश्य से मैं आपको बताऊँ कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थितियाँ क्या थी। आज जो पूरे देश को चलाने वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो है युवा,
और युवा पिछले कुछ समय से जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई है इतनी विफलताओं में अपने आप को देख रहा था जो उनसे झूठे वादे किए गए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो के अंदर किसान भत्ता से लेकर के तमाम चीज़ों की बात यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर की थी, लेकिन आपने उस क्या मैनिफेस्टो के अंदर छात्रों के लिए ये बात करना ज़रूरी समझा कि हम अब जो STSC के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दिलाएंगे, जब आपने अपने मैनिफेस्टो में उस विषय को अपना विषय ही नहीं समझा तो आप उसको अपनी राज्य सरकार के अंतर्गत कहाँ से करेंगे। इसके अतिरिक्त आप दुर्दशा का दूसरा स्वरूप देखिए कि हर साल मध्य प्रदेश के अंदर सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता था जो कि काफ़ी हर्षोल्लास के साथ राज्य सरकार मनाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार ने इसका आयोजन नहीं किया। वहीं दूसरे रूप में केंद्रीय सरकार जो होती है वो भी एक केंद्रीय स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन करती है, परंतु कमलनाथ सरकार द्वारा इस बार उस युवा महोत्सव में भी मध्य प्रदेश द्वारा आयोजन नहीं लिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाती है कि युवा किस प्रकार से हताश था कांग्रेस की सरकार द्वारा, और यदि ये सत्ता परिवर्तन होता है तो मैं इसे एक बहुत अच्छा स्वरूप मानूंगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश के अंदर इस परिवर्तन से, एक झूठे वादे करने वाली सरकार के परिवर्तन से बदल करके एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आती है जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती है, युवाओं के अंदर एक सकारात्मकता भरना चाहती है, जो युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना के साथ निरंतर विकास का कार्य करना चाहती है, तो ये एक स्वागत योग्य चीज़ होगी और हम इसका स्वागत करते हैं। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि हर वर्ष युवा उत्सव मनाया जाता था जो इस वर्ष नहीं मनाया गया, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है तो आपके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में ही युवा उत्सव यूथ फेस्टिवल मनाया गया। इसके साथ ही साथ जो है तो अखिल भारतीय स्तर पर जो है तो ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी विश्वविद्यालय स्तर पर जो टीमें जी युवा महोत्सव में विजय होती हैं उनके स्तर पर एक पूरे राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वो कार्यक्रम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित नहीं किया गया है, और वहीं प्रदेश स्तर से बढ़ करके एक केंद्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होता है, उसमें भी मध्य प्रदेश ने इस बार प्रतिभागी के रूप में हिस्सा नहीं लिया। तो इस बारे में आप लोग के द्वारा, आपकी इकाई के द्वारा क्या किया गया जब यूथ फेस्टिवल जो है तो राज्य स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर नहीं किया गया? तो देखिए हमारी जो प्रतिक्रिया थी इस पे, हमने कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए पर इस बात पे दबाव डाला, वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की भी आपने जो यूथ फेस्टिवल की बात की उसमें कई अनियमितताएँ नज़र में आई, आप मीडिया बंधुओं ने भी उसको काफ़ी हद तक कैप्चर किया कि किस प्रकार से छात्रों के साथ वहाँ गलत बर्ताव हो रहा था, छात्रों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे, उनको ख़राब खाना परोसा जा रहा था, उसके विरोध में भी विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पर प्रदर्शन किया था, और उसके लिए जो भी आरोपी वहाँ पर थे उनको विश्वविद्यालय द्वारा दंडित किया गया। और इसके साथ ही साथ अब अगला सवाल हमारा ये है कि सिंधिया जी के साथ जो है तो चूँकि ये मुद्दा राजनीतिक हलचल को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं तो युवाओं के मुद्दों पर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम सियासत की बात जारी रखेंगे। तो सिंधिया जी के साथ 19 विधायक भी BJP में शामिल हो रहे हैं और एक बड़ा सियासी भूचाल है अगर कांग्रेस के नज़रिए से देखते हैं तो, क्योंकि सरकार का बदलाव हो सकता है, सरकार गिर सकती है, तो ये बड़ा बदलाव है। तो 19 लोग जो है तो आ रहे हैं BJP में, तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय जो है तो तौर पर जो नेता हैं उन्हीं के साथ तो कुठराघात हो रहा है। ये तो आपने सही बोला है कि 19-20 विधायक जितने भी हैं जी, हम इस बात पे हैं कि उपचुनाव नहीं होना चाहिए। आप देखिए पिछले साल की बात करें तो लगभग 2 चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव हुए। तो हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स का जो सरकारी शैक्षणिक कैलेंडर होता है वो इतनी लेट हो जाता है ना कि बच्चे सही से एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। हम बात करें जो एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होते हैं वो जून जुलाई चले जाते हैं, उनका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं दल बदल राजनीति से बिल्कुल खिलाफ़ हूँ कि चुनाव आयोग से यह भी मांग करता हूँ कि बंद होना चाहिए कि दल बदल की राजनीति, जिससे उपचुनाव होकर कितना सरकारी खर्च लगता है उसमें, उसके बावजूद हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। आप बात करें जो व्यक्ति 3 साल में ग्रेजुएशन करके दूसरा PG में कोर्स में एडमिशन ले ले पर उसके बावजूद वो 3.5-4 साल उसका कोर्स चला जाता है, तो यह कहीं ना कहीं गलत है जी। और बात करें कि सिंधिया जी के साथ वो विधायक आ रहे तो वो तो उनके निजी मामले हैं, क्योंकि वो उनको अपना नेता मानते हैं और उनकी बातों पर अड़े हैं कि हम उनके साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य भी है कि वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और
लोगों को अपनी सेवा देने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में वो अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे थे, उनको रोक टोक थी, तो कहीं ना कहीं तो ये अच्छा है कि वो हमारे विचार परिवार की पार्टी में आ रहे हैं। तो ये तो डबल स्टैंड हुआ ना, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम दल बदल की राजनीति का विरोध करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते हैं, दूसरी तरफ सिंधिया के साथ आने वाले विधायकों का स्वागत कर रहे हैं। बात मैं ये दल बदल की सभी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये गलत है, पर अभी चुनाव आयोग या किसी सदन में तो ये पास नहीं हुआ कि दल बदल की राजनीति पे रोक है, तो कहीं ना कहीं तो ये अच्छा ही है कि दूसरी पार्टी के विधायक किसी विचार परिवार की पार्टी में, जिसमें लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है, इसी पार्टी में जा रहे हैं। तो अभी जब तक दल बदल कानून लागू नहीं होता तब तक तो ये ठीक ही है। बाकी और एक युवा के तौर पर इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, जिस तरीके से देश भर में दल बदल की राजनीति होती है, और ये कोई बीजेपी की होने वाली राजनीति का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस की होने वाली राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये लगभग हर राजनीतिक दल पे लगातार चल रहा है, तो इसे आप एक युवा के तौर पर एक देश की सियासत को देखते हुए कैसा अनुभव करते हैं, या फिर क्या आप मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जब भी कोई सरकार आती है ना जी, तो जितने भी युवा रहते हैं उनके मन में ये आशाएं जाग जाती कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी जी। ये सरकार ऐसी सरकार है जो जिससे हमारी आशाएं जुड़ी हैं जी, ये हमारी आशाएं पूरी करेगी, लेकिन जब वो उनके उस पर खरी नहीं उतरती, उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, तो एक युवा को कैसा लगता होगा जी, मैं बयान कर देता हूँ जी। तो वो ऐसा लगता है जैसे मम्मी और पापा रहते हैं अपने माँ बाप जी, उन्होंने बच्चा कोई खिलौने की जिद करता है जी, वो नहीं दिला पाते उसे, बच्चा रोने लगता है जी, लेकिन उसे एक बार वो समझाते हैं कि ये ऐसा वैसा चीज़ टूट जाएगा अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन बच्चा क्या करता, रोता है, फिर चुप हो जाता है जी। तो ये सरकार यही समझती है कि ये जितने युवा हैं ये थोड़ी देर के लिए अग्रसर होंगे और उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अब ये वैसे युवा नहीं है पुराने जैसे, अब ये वो युवा आ चुके हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, जहाँ पे उन्हें गलत दिखेगा वो बकायदा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे सामने सरकार अगर उनके उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही तो खरा उतरवाएंगे जी। तो सीधे तौर पर आपका कहना है कि मतलब युवा पूरी तरीके से जागरूक है और लगातार जो भी घटनाक्रम होंगे, चाहे सियासी हो, चाहे फिर सामाजिक हो, या फिर जिस तरीके से भी हो, युवा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेगा और सही का साथ देगा। बिल्कुल, युवा हर समय सही का साथ देता है। और इसके साथ ही साथ अगर ये सियासी बदलाव आता है और कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव का भी खतरा प्रदेश भर में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर मध्यावधि चुनाव होता है, चुनावों में हम देखते हैं कि बड़े हिस्से का खर्च होता है और जो खर्च होता है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच से आने वाला पैसा होता है, तो अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, या फिर जो है तो इसका प्रदेश की राजनीति पर, प्रदेश के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अमित जी, आपसे जवाब जानना चाहें। देखिए, मध्यवर्ती चुनाव यदि होते हैं जी, यदि इस पहल के माध्यम से प्रदेश में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है तो हम इसका स्वागत करते हैं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रदेश सरकार जो वर्तमान में है उसके द्वारा राज्य का ठीक तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, आज हताश है मध्य प्रदेश के अंदर। तो उनके हित के लिए यदि ये मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ व्यय होगा, जनता के बीच का पैसा लगेगा, लेकिन यदि इस पैसे के लगने से और मध्यवर्ती चुनाव होने से यदि प्रदेश के अंदर एक अच्छा बदलाव आता है, एक अच्छी आर्थिक विकास की दिशा खुलती है, तो मैं इस चुनाव का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, ये मेरा मत है इस पर। और अगर सरकार बदलती है, हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो क्या उम्मीदें रहेंगी जो है तो एक युवा नेता के तौर पर आपकी, क्या करना चाहिए जो है तो? यदि सरकार बदलती है तो पहले तो जो योजनाएं बंद की गई हैं कमलनाथ सरकार द्वारा, तो हम तो यही मांग करेंगे तो वापस से उन योजनाओं को चालू किया जाए नई सरकार द्वारा, और नई योजनाएं युवाओं के लिए आएँ, जो पुरानी योजना बंद कर दी गई हैं, चाहे वो मोबाइल टैबलेट्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, छात्रवृत्ति हो, ये सब मेघावी छात्रों ने सब योजनाएं चालू वापस से हों जो पिछली सरकार ने की थी, और नई योजनाएं युवाओं के लिए आनी चाहिए, ऐसी हम लोग मांग रखेंगे जी। और कहीं ना कहीं मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो जायज़ है कि सरकारी पैसा खर्च होगा, तो इसका पूरा जो जिम्मा है जो ये कमलनाथ सरकार पे जाए कि वो अपनी सरकार सही तरीके से नहीं चला पाई, लोगों के बीच नहीं जा पाई, वो अपनी अंतर कलह के बावजूद खुद गिर गई,
हॉर्स ट्रेडिंग क्या है और इसका प्रदेश की सियासत पर क्या असर रहा? लगातार आरोप लगाए जाते हैं विरोधियों के द्वारा, बीजेपी विरोधियों के द्वारा, कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है। इस बारे में एक युवा के तौर पर आप लोग क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं देखिए, आप बीजेपी के प्रश्न कर रहे हैं तो मैं कहीं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि युवा राजनीति से प्रभावित होता है। आप भले एबीवीपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, परंतु आप भी वोटर हैं, मतदाता सबसे पहले हैं। मतदाता हूँ, उसके अरे जो हॉर्स ट्रेडिंग है बहुत ही गलत है कि खरीद फरोख्त की राजनीति बंद होनी चाहिए, पर अभी कहीं ना कहीं कोई नाम सामने नहीं है कि किसने हॉर्स ट्रेडिंग की, किसने खरीद फरोख्त की। ये एक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि आपने हमारे विधायक खरीदे, उसने हमारे विधायक खरीदे, पर कहीं ना कहीं ये अभी बिल्कुल नहीं हुआ कि कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, कौन खरीद रहा है विधायक, कौन गए। सभी विधायक अपने अपने पार्टी के स्थान में छुपे बैठे हैं, अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का यहाँ पे मामला है, तो यहाँ पर कहीं भी अगर आप देखें तो कहीं से कहीं तक आपको ये समझ में आएगा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला यहाँ पर है ही नहीं। कुछ ऐसे विधायक, कुछ ऐसे मंत्री और कुछ ऐसे केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के, जो अपने पार्टी के जो उनका व्यवहार था उससे परेशान हो चुके थे, जिस प्रकार से उनकी ऊर्जा का गलत प्रयोग किया जा रहा था उससे वो बेबस हो चुके थे, और उनके पास एक अच्छा विकल्प जो उन्हें दिखा, जिससे वो जो राष्ट्र सेवा करना चाहते थे, जो वहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, उसमें उनको विकल्प दिखा कि वो सेवा वो भारतीय जनता पार्टी में जा करके कर सकते हैं, तो उन्होंने उस विकल्प को लिया है। यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, और मैं बार बार उसी विषय को कह रहा हूँ कि अगर इन सारी तमाम घटनाओं से यदि प्रदेश का विकास होता है, प्रदेश को एक अच्छी सरकार मिलती है, तो ये स्वागत योग्य है और सारा युवा इसका समर्थन करता है जी। अब इसको हम यूथ राजनीति से जोड़ते हैं। सपोज दैट आप एबीवीपी से रिलेट करते हैं, एनएसयूआई का कोई कार्यकर्ता आ करके आपके पदों पर जो है अधिग्रहण कर लेता है, आप लगातार बरसों से जो है तो मेहनत कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति जो है तो एक पल में आ करके उस बड़े से ओहदे को हासिल कर लेता है, तो ये क्या आपके साथ अन्याय नहीं होगा? देखिए, हम कहीं ना कहीं बात करें कि कोई भी पदाधिकारी हो, यदि दूसरे संगठन में आएगा, यदि वो क्षमता के साथ काम करता है, तो उसको यदि कोई दायित्व भी दिया जाए तो कहीं ना कहीं कोई गलत नहीं है। और हम भी काम करें, यदि सामने वाला व्यक्ति आता है तो वो भी क्षमता के साथ, यदि किसी संगठन को लगता है कि और अच्छा कर सकता है तो उसको मौका देना चाहिए, कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। अपने पदाधिकारी को हटा करके? नहीं, पदाधिकारी को हटाने की बात नहीं है, यदि वो काम कर रहा है और उसके बाद वो भी यदि किसी संगठन में आता है, उसी क्षमता के साथ, उसी उससे ज़्यादा काम करता है, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, मेरा मानना है। अब जैसे राज्यसभा की दो टिकटें थीं, एक सिंधिया जी को दे दी गई, अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में एक और बेहतर उम्मीदवार नहीं रहा होगा भारतीय जनता पार्टी में कि राज्यसभा की टिकट दूसरे को दी जा सकती थी। आखिर समय तो लेना चाहिए, एक विचारधारा से परिवर्तन हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है, तो पार्टी में आने के बाद तो एक समय चाहिए ना। जो ये क्या है, भाजपा, ये भाजपा जो संगठन है वो जानेगा कि उनने क्यों नहीं दिया। ये हम लोग युवा हैं और युवाओं के माध्यम से आप जो सवाल करेंगे हम उसका जवाब देंगे, और ये तो बीजेपी का मामला है और भाजपा जो भी पार्टी अन्य पार्टी उनका सवाल जवाब है कि उनको किसको टिकट देना और किसको नहीं। इसमें युवा क्या भूमिका निभा सकता, आप उससे पूछेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा। जिस विचारधारा से सर्वप्रथम मैं आता हूँ जी, वो संघ की विचारधारा है, और हमारे यहाँ पहली चीज़ पद नहीं दिए जाते, हमारे यहाँ दायित्व दिए जाते हैं। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी यदि मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय होगा कि यदि कोई व्यक्ति आता है और वो मेरी जिम्मेदारी मेरे जगह पर उठाता है, अब वो मुझे ये ज्ञात है कि वो इस प्रकार से योग्यवान है कि वो उस दायित्व का निर्वहन भलीभांति करेगा, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी और मैं खुशी खुशी अपने दायित्व का परित्याग कर उस व्यक्ति को अपने दायित्व देने के लिए मैं तैयार रहूँ, और मैं अपने संगठन पर ये भरोसा करता हूँ कि जो संगठन का जो निर्णय होगा वो सर्वथा उचित होगा। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा की पार्टी है, तो उन्हें जो समझा होगा वो भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा कि उन्हें किसी की योग्यता को देख करके ऐसा निर्णय लिया है, तो जो भी पार्टी का निर्णय है, इतने वरिष्ठ नेताओं ने उसका निर्णय किया है, तो कुछ सोच समझ कर किया होगा और वो अच्छा ही होगा, ऐसा भविष्य में हम देख पाएंगे। अब आखिरी सवाल आप लोगों से ले रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है या यही सरकार रहती है, तो क्या उम्मीदें हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें युवाओं के लिए? देखिए, कोई भी आए, देखिए मैं आपसे इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि हमें सिर्फ यही है कि युवाओं को
सही शिक्षा, बेहतर शिक्षा, शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण बंद हो, जो नई नई योजना है युवाओं के बीच में लाना चाहिए। स्टूडेंट्स को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्कॉलरशिप नहीं आती, हर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कि सबसे पहले छात्रवृत्ति योजना, उसके बावजूद नई नई योजना युवाओं को जो मिलनी चाहिए वो बेहतर मिले, उसके बाद जो कि पिछली सरकार ने बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं जो बंद की हैं उनको वापस चालू किया जाए। तो हमने इस बैठक में जो है तो इस चर्चा में NSUI के सदस्य को भी आमंत्रित किया था, हालांकि वो किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और दूसरी चीज़, इकाई के तौर पर यूथ राजनीति, यूथ पॉलिटिक्स एक बड़ा मुद्दा है किसी विश्वविद्यालय स्तर पर, किसी महाविद्यालय स्तर पर। लगातार पिछले कुछ वर्षों से सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, देखिए सरकार बदलती रहती है, आती हैं जाती हैं, लेकिन यूथ इन पॉलिटिक्स को लेकर के एक सही स्टैंड किसी सरकार के द्वारा लिया नहीं गया। आज से 7 साल पहले एक बार चुनाव हुआ, फिर 2 साल पहले एक बार चुनाव होता है, फिर लगातार बंद कर दिया जाता है। तो आगामी दिनों में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे यूथ इन पॉलिटिक्स के बारे में? ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक इकाई अध्यक्ष हैं। देखिए, आपने आपके एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, सभी का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने विषय उठाया कि एक विश्वविद्यालय के अंदर कई राजनीतिक स्तर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें से जो प्रमुख है वो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज जो हमारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है कितनी विडम्बनाओं से जूझ रहा है। आज जो हमारा वहाँ पर छात्र है उसको जो व्यवस्थाएँ मिलनी चाहिए, जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं का पूर्णता अभाव वहाँ पर दिखता है। और व्यवस्थाएँ कहाँ पर होती हैं? जो प्रशासनिक भवन में जो अफसरशाही करने वाले लोग हैं जो कि योग्यता नहीं रखते उस कुर्सी पर बैठने की, तो भी उस कुर्सी पर जमे हुए हैं अपने राजनीतिक दबाव को लेकर के, उनके द्वारा जो वहाँ पर अनियमितताएँ की जाती हैं, लगातार ऐसे कुछ लोग वहाँ पर लगातार अपनी दलालियाँ कर रहे हैं जो पूर्व में बहुत बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल्स के आरोपी के रूप में देखे जा चुके हैं। ऐसे लोग आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंदर सक्रिय हैं, ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं। दूसरा, आपने कहा कि मैं सरकार को क्या संदेश देना चाहूँगा, तो सरकार को मैं कुछ संदेश देना चाहूँगा। रोकना चाहूँगा, आपने सेक्स स्कैंडल की बात की, तो ये किसके समय में नियुक्तियाँ हुई थी? ये नियुक्तियों का, ये भारतीय जनता पार्टी के समय पर ही नियुक्ति हुई थी, और उस दौरान विद्यार्थी परिषद ने, उस समय प्राण संगठन मंत्री श्री उपेंद्र धाकड़ जी के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद ने इन सभी लोगों को वहाँ से खदेड़ा था। लगातार पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि छात्र नेतृत्व को दबाने का जो प्रयास लगातार राज्य में कोई भी सरकार रही हो उनके द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी कुछ साल पूर्व में एक प्रयास किया गया छात्र संघ चुनाव करा करके, लेकिन इस साल फिर कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार द्वारा छात्रों को झूठे वादे किए जाते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो कई समय से भर्तियां रोकी गई हैं, MPPSC की भर्ती आती है छात्रों द्वारा इतना संघर्ष करने के बाद, परंतु केवल इसलिए कि वहाँ पर जो नियुक्ति है MPPSC के प्रभारी की वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में की गई थी और प्रभारी उनका होने के कारण ये जो रोक दी गई इन भर्तियों को, ये किस हद तक सही है? ये बात बहुत बड़ा सवाल है पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि क्या आप करना क्या चाहते थे इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से? क्या आप किसी एक विचारधारा के विशेष वर्ग के लोगों को इसमें भरना चाहते थे? यदि आप ये करना चाहते थे तो ये जो आपने शिक्षा का व्यापारीकरण के बाद जो सरकार का व्यवसायीकरण करने का ये जो दूसरा पहलू आपने उठाया है इसको आप रोकिए। दूसरा, हम बात करने वाले हैं महिला के सशक्तिकरण की। भारतीय जनता पार्टी में बात हुई थी नारियों के कन्यादान की, यहाँ पर बात हो रही है नारियों की शराब पान की। तो ये जो ऐसी ये अजीब अजीब सी नीतियाँ लेकर के सरकार आ रही है, इनको यहाँ तत्काल रोके। जो काम करना है वो छात्रों के हित में करें, युवाओं के हित में करें, देश के भविष्य के लिए करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूँ, धन्यवाद। तो युवाओं के मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने बड़ी ही बेबाकी के साथ सारी की सारी राय रखी, अपने विचार व्यक्त किए। किसी मुद्दे को लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों से परिचर्चाओं का दौर चलेगा। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।